जेलमी एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जिनकी वीडियोस तो अच्छी हैं ही और इनके थंबनेल्स इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि जो बंदा देखता है वो सोचता ही होगा कि ये इन्होंने थंबनेल किस तरीके से क्रिएट किया है। सो इस वीडियो से पहले मैंने इनके थंबनेल्स और मिस्टर बीस्ट के थंबनेल्स पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं। सो अगर आपको वो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, रिसेंटली ही मैंने उनको अपलोड किया है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूँ जेलमी के कुछ ऐसे थंबनेल की कि ये थंबनेल किस तरीके से क्रिएट हुआ होगा और इन्होंने कैसे इसको बनाया होगा। सो साथ ही साथ जो है एक भाई का भी कमेंट आ गया था कि आप इसी वीडियो के टॉपिक का जो थंबनेल है आप इस पर वीडियो बनाएं कि ये थंबनेल इन्होंने कैसे बनाया होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि इस तरीके का थंबनेल इन्होंने किस तरीके से बनाया होगा। सो इसको मैं जो है पिक्सल लैब एप्लीकेशन के अंदर क्रिएट करना करूँगा। अगर आप चाहें तो आप इसको फोटोशॉप वगैरह में भी जो भी एप्लीकेशन है आप उसमें क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ज़्यादा यही रिकमेंड करूँगा कि पिक्सल लैब एप्लीकेशन जो है बहुत ही ज़्यादा ईजी है। सो इसमें आप बहुत ही जल्दी थंबनेल बना लेंगे। सो मेरे पास तो पिक्सल लैब है तो मैं इसको यहाँ से ओपन करूँगा और उसके बाद मैं आपको थंबनेल बनाना सिखाऊँगा। तो अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें क्योंकि मैं इस अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करना है, न्यू टेक्स्ट को आपने ऊपर डिलीट कर लेना है, उसके बाद आपको थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको इमेज साइज सेलेक्ट कर लेनी है, कस्टम पर क्लिक करके यूट्यूब थंबनेल जो है आप होता है आपने वो उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ नीचे बॉक्स पर क्लिक करना है, ऊपर कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपको कलर पर क्लिक करके प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से आपको एक वाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है, थोड़ा सा जो है ग्रे टाइप का हो जाए तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। उसके बाद जो है कलर सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको यहाँ से ओके कर लेना है, ओके करने के बाद आपने इसको यहाँ से टिक करना है, टिक करने के बाद दोबारा आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके फ्रॉम गैली पर जाना है। सो यहाँ से मैंने पास जो है एक रेड कलर का बटन गूगल से डाउनलोड किया है तो ये मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। सो आप लिखेंगे गूगल पर रेड बिग बटन PNG तो वो आपके सामने बहुत सारे आ जाएंगे, तो वहाँ से आपने उसको डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद आपने इसको 55 डिग्री जो है रोटेट कर लेना है 3D रोटेट की मदद से और उसके बाद आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। फिलहाल मैं इसको यहाँ पर लगा रहा हूँ, उसके बाद इसको बिल्कुल सही तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद एक छोटी सी टेबल जो है ऐड करेंगे इसके नीचे, सो ये कुछ टेबल है इसको थोड़ा रोटेट करके जो है इसको मैं इसके नीचे बिल्कुल ऐड कर लूँगा। सो जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ इस तरीके से आपने इसको कर लेना है। सो आप गूगल पर लिखेंगे ब्लैक टेबल ट्रांसपेरेंट PNG तो ये ऐसे तरीके आपके सामने आ जाएंगे। ज़रूरी नहीं जो मैंने लगाई है आप वही लगाएं, आप कोई और भी लगा सकते हैं। सो ये है कि उसका कलर ब्लैक होना चाहिए और उसके बाद आपने इसको इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट करना है और इसको कुछ यहाँ पर नीचे लगा लेना है और नीचे लगाने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर जो लेयर वाला ऑप्शन देने को मिल रहा है इस पर आपको क्लिक करना है और इसको यहाँ से नीचे ले जाना है और उसके बाद इसको फ़िलहाल के लिए यहाँ से लॉक कर लेना है। ऊपर प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, यहाँ से फ्रॉम गैली पर जाना है और यहाँ से आपने इस तरीके की फ़ोटो को बना लेना है। सो मेरे पास तो इतने ज़्यादा बंदे नहीं हैं तो मैं तो एक ही हूँ तो मैं इस तरीके से अपनी फ़ोटो नहीं बना सकता, तो ये है कि आप इस तरीके से समझ लें कि ये आपकी फ़ोटो है, आपने इस तरीके से शूट किया है और जो बीच में ये रेड बटन है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ से इरेजर वाले ऑप्शन पर जाऊँगा, इसको यहाँ से रिमूव करूँगा। आपने इस तरीके की अपनी एक फ़ोटो बना लेनी है, तो मेरे पास तो नहीं थे इतने बंदे तो मैंने इसलिए यहाँ पर नहीं बनाई। तो अब मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ और रिमूव करने के बाद इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। फ़ोटो है उसको इस कुछ इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट करना है, एडजस्ट करने के बाद आपने इसको इन सब दोनों फ़ोटो से नीचे ले जाना है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ये रियलिस्टिक फील इसकी आने लग गई है, तो इस तरीके से इन्होंने ये थंबनेल क्रिएट किया होगा आई थिंक। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं इस चैनल पर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूं और जैसे कि ये भाई ने मुझे कमेंट किया था तो ये वीडियो मैंने बना ली, आप भी मुझे कमेंट करें सो मैं भी आपको जो इसका रिप्लाई दूँगा और उस पर वीडियो बनाऊँगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।